पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन ऑफिसर्स की और मीडिया वालों की जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे माहौल में हमें ये करा दिया। इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर रहे, इसमें बिल्कुल हमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कंटेस्ट था जो हमने आज तक नहीं देखा था। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी थी इसमें। रहा सवाल, आप बोल रहे हो कि आप ये खुशी किसके नाम करना चाहते हो, ये खुशी है शोपियान के अवाम की, ये मेरे ठेकेदार भाई की जो बिखर चुके थे पिछले 6 सालों से 7 सालों से और ये आज एक होकर मुतहद हो गए। इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ठेकेदारों का। हम सब भाई है, मैंने जीता नहीं, ये जीत सबकी है। 77 कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये इनकी जीत है। और इंशाल्लाह हमारे बहुत सारे मसाइले हैं, मैं वो कोशिश करूँगा सबके मदद से, सबकी राय लेकर मैं कोशिश करूँगा उनको हल करने की। हमें फील्ड में बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, जिसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं हर महज पे लड़ूंगा अपने हक के लिए, ये मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, अगर हम शोपियान की बात करेंगे तो शोपियान एक ऐसा वाहिद टाउन है, वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जो 10 डिस्ट्रिक्टों में माना जाता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ इलेक्शन हुए हैं। हम यही चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए यहाँ। आज जो कॉन्ट्रैक्टर्स का है, जो इलेक्शन हुआ है यहाँ, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, तो आप देख लीजिए कि इनका जो प्रेजिडेंट बना हुआ है, तो ये उन ठेकेदारों के मसले मसाइल जो है इनके, इनको हल करने में एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे किसी भी हद तक ये जा सकते हैं, तो इनको अपने जो मुश्किल मुश्किलात हैं इनको दूर करने में ये कामयाब हो जाएंगे।